हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं फिर से गुलाब को लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे गुलाब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारे वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वो सारे वीडियोस देखने से ही आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाएगा गुलाब के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे टिप्स ऑलरेडी आप लोगों के साथ वो सारे वीडियोस में शेयर किया है। तो वो सारे वीडियोस देखने से ही आपको सारे जानकारी मिल जाएगा। तो आज भी मैं ऐसा ही कुछ टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आपका प्लांट ऐसा ही हेल्दी भी बनेगा और बुशी भी बन जाएगा। तो उसके लिए भी हमें कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ता है, जो कि प्लांट में कभी कभार आप देखेंगे कि ऐसा देखिए शूट निकालते हैं। तो ये तो निकालते रहते हैं, तभी तो हमारा प्लांट्स ऐसा बुशी बन जाता है। लेकिन ऐसा ही जो शूट है उसको अगर आप अच्छे से नहीं पहचानेंगे तो आपका प्लांट्स मर भी सकता है, यानी खराब हो सकता है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ऐसा शूट अगर आपके प्लांट्स में भी निकलते हैं, देखिए ये ग्रीन कलर में आता है इसका पत्तियों का रंग, और साथ में इसमें 7 पत्ते होता है। तो मैं पहले जो फास्ट पत्ते हैं वो कभी 5 पत्ते भी होता है, लेकिन उसके बाद देखिए ये 7 पत्ते ही होता है। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा। और जो इसका बेसल शूट है, यानी फूल देने वाला शूट होता है, उसमें 3 पत्ता या फिर 5 पत्ता ऐसा ही होता है। और ये देखिए, ये साकार्स बोलते हैं इसको, जो कि जंगली शूट होता है, ये हमें फूल नहीं देता है। ये देखिए, इसमें 7 पत्ता होता है। तो ये एकदम जो ग्राफ्टेड एरिया होता है उसके नीचे से ये निकालते हैं, यानी ये रूट से निकालते हैं, और इसीलिए ये बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं ये शूट। और बाद में आपका प्लांट्स जो असली आपका ग्राफ्टेड पर्सन के ऊपर में रहता है, आपका जो हाइब्रिड रोज है, वही ख़राब हो जाएगा। यही जंगली शूट जो है ये आपका प्लांट्स में रह जाएगा और असली फूल देने वाला प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए इसको आपको अच्छे से पहचानना है। इसमें 7 पत्तियां होता है, और ये जो देखिए बेसल शूट है, ये लाल रंग में आते हैं, एकदम से लाल है, और इसमें 3 पत्ता या फिर 5 पत्ता ऐसा ही होता है। तो इस ये देखिए, ऐसे करके आप तो तोड़ देना है आपको। और उसके बाद मेरे देखिए बहुत सारे प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में ऐसा निकालते रहते हैं, इस सीज़न में तो ज़्यादा ही निकालते हैं, क्योंकि बेसल शूट भी बहुत सारे निकालते हैं, और साथ में ऐसा जोंगली शूट भी निकालते हैं जिसको साकर्स कहते हैं। और देखिए ये होता है ग्राफ्टेड एरिया, जो एकदम गाठ बन जाते हैं, गोल सा बड़ा, उसके नीचे से अगर ऐसा निकालते हैं तो उसको आपको ऐसे करके तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद भी कुछ केयर लेना पड़ता है। उसके लिए देखिए, मेरा ये वाला प्लांट में भी निकला है, तो उसको तोड़ के आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें फिर तोड़ने के बाद भी हमें कुछ केयर लेना पड़ता है, ताकि फंगस ना लगे। ये देखिए, ये वाला प्लांट का ये होता है ग्राफ्टेड एरिया, जो गाठ जैसा दिख रहा है, मोटा सा गोल सा। तो उसके नीचे से देखिए एकदम रूट से ये निकलते हैं, या फिर कभी कभी ये ग्राफ्टेड एरिया अगर ऊपर में होता है तो फिर स्टेम से भी ये निकलते हैं, यानी ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से जो भी शूट निकलते हैं वो सारे ऐसा जंगली शूट होता है। देखिए इसमें भी नीचे वाला में 5 पत्तियां भी है, लेकिन ऊपर में जितना भी पत्ता निकल रहा है ये सारे 7 पत्तियाँ होता है। तो ऐसा ही होता है। और फ्रेंड्स, सो हम कटिंग से ग्रो करते हैं जिस प्लांट को, उसमें कोई भी शूट निकले तो वो सारे बेसल शूट होता है, फूल देने वाला शूट ही होता है। उसको आपको, उसमें कोई ऐसा ग्राफ्टेड एरिया होता भी नहीं है, क्योंकि हम खुद से उसको कटिंग से लगाते हैं, या फिर कहीं से भी कटिंग से लगाया हुआ प्लांट लाते हैं, तो उसमें से ऐसा शूट निकालने से वो बेसल शूट है, यानी फूल देने वाला शूट है। लेकिन ये देखिए, ये एकदम रूट से निकल गया है, क्योंकि मेरा ये प्लांट का जो ग्राफ्टेड एरिया है एकदम से नीचे है, तो ये एकदम रूट से निकल गया। और देखिए इसलिए ये कितना हेल्दी है, और इसलिए ये सारे न्यूट्रिशन यही जो शूट है यही ले लेगा, और बाद में धीरे धीरे जो असली प्लांट है हमारा फूल देने वाला, वो सबको कोई भी न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, और बाद में वो एकदम से सूख जाएगा और प्लांट्स हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा करके आपको
हर मतलब आपका रोज़ प्लांट में अच्छे से दिखना है। अगर आपके पास रोज़ प्लांट है तो उसको आपको ज़रूर कुछ दिन बाद बाद ज़रूर चेक कीजिएगा कि कोई ऐसा जंगली शूट निकले है कि नहीं। और ऐसे करके तोड़ने के बाद उसमें देखिए फंगिसाइड पाउडर मैंने ले लिया पेस्ट बना के, तो उसको आपको वो जहाँ से आप तोड़ दिया है वहाँ पे लगा देना है ताकि कोई फंगस ना लगे। तो ये भी आपको ज़रूर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नेल पॉलिश होता है वो भी दे सकते हैं, या फिर टर्मरिक पाउडर भी दे सकते हैं अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर अवेलेबल नहीं होता है तो। और फ्रेंड्स, ये वाला कटिंग भी कभी कभी क्लाइंबिंग रोज बन जाते हैं। मेरे पास ऐसा ही एक क्लाइंबिंग रोज़ है, आप लोगों के साथ क्लाइंबिंग रोज़ में शेयर भी किया था। वो ऐसा ही जोंगली शूट था और उसमें पिंक कलर का क्लाइंबिंग रोज़ जो मेरे है वो ऐसा ही फूल निकला था। तो देखिए ऐसे करके आपको केयर लेना है तो आपका प्लांट्स बिल्कुल ऐसा ही हेल्दी और बूशी बन जाएगा। ऐसे तो कैसे फर्टिलाइज़र देना है, क्या क्या न्यूट्रिशन हमें प्लांट्स को देना है, वो सारे तो मैं आप लोगों के साथ रोज़ी जैसा शेयर करती हूँ। हर महीने में एक बार ये गुलाब को फर्टिलाइज़र देना पड़ता है और साथ में क्या क्या लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ता है वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। और देखिए मेरे ये वाला प्लांट्स में भी ऐसा जंगली शूट निकला था और वो वाला थोड़ा थोड़ा लाल भी था, इतना लाल नहीं होता है जो मैंने तोड़ के फंगिसाइड लगाया, वो भी थोड़ा बहुत लाल था, थोड़ा सा लाल था। तो ऐसा होने से भी आपको अच्छे से देखना है और उसको तोड़ देना है। आप सोचेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा लाल है, शायद ये बेसल शूट है, लेकिन वो नहीं होता है। तो ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से जो भी शूट निकलते हैं वो सबको आपको तोड़ते रहना है, तो आपका प्लांट्स भी ऐसा ही हेल्दी ही रहेगा और साथ में ढेर सारे फूल भी देगा। और तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा ही करके आप अपना रोजेस का केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट्स बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और फ्रेंड्स इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।